वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो बुक्स के रिगार्डिंग है, जो सबसे हॉट टॉपिक है। आप लोग हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी अच्छी बुक है, इस एग्जामिनेशन के लिए कौन सी अच्छी बुक है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अच्छे से डिटेल में कि 2020 में होने वाली सारे की सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है। ऐसे टॉपिक्स के बुक्स भी बताऊंगा जो बहुत ही हॉट टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को स्टूडेंट्स को पढ़ना थोड़ा मुश्किल भी होता है। उन सारे टाइप के टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स के ऊपर बुक्स मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। इससे पहले भी बहुत सारे बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर चुका हूँ डिफरेंट वीडियोस में, और मोस्टली सेम बुक्स ही मैं रिकमेंड करता हूँ। बट आज के वीडियो में कुछ आपको डिफरेंट बुक्स भी मिलने वाली है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, आप बहुत ही गरीब स्टूडेंट हो, फिर भी कैसे आपको फ्री में बुक्स मिल सकती है और आप उन बुक्स से भी गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकते हो। अभी हम बुक्स के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बस एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ। जो ऑलिव बोर्ड है उसके अंदर आपका SSC Elite नाम पे एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जो कि आपका मॉक टेस्ट के लिए है। अगर मैं आपको बैंकिंग इलीट का रेट बताऊँ तो लगभग 5,000 रुपये में था, और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे चैनल के लिए लगभग 499 के अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। अगर कुछ कूपन कोड का होगा तो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको, वैसे शायद NIK NIC कूपन कोड है, और अगर आप चाहो तो ऑप्ट कर सकते हो। जो फर्स्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा वो इसी का मिलेगा। और इस SSC Elite के अंदर आपके सारे के सारे SSC एग्जामिनेशन कवर्ड है, MTS हो, CPO हो, CHSL हो, CGL हो, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा आपके टेस्ट हैं, और इसके अंदर सेक्शनल आपको टेस्ट देने का भी ऑप्शन है। तो डेफिनेटली आप SSC Elite को चेकआउट कर सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जिस टॉपिक की बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है करंट अफेयर्स। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक अच्छी नहीं है। बेसिकली स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स टॉपिक का सिग्निफिकेंस नहीं पता कि कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। SSC CGL के अंदर बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स को भी लास्ट ईयर से अंदाज़ा लग गया है, 2019 से, कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स टॉपिक। तो इस टॉपिक के अंदर जो बुक मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो है, दो तीन वैसे करूँगा, लेकिन सबसे पहले जो करूँगा आपको, क्वार्टरली करंट अफेयर्स आता है दिशा पब्लिकेशन का एक, वो बुक बहुत ही अच्छी बुक है। मेरे पास अभी यहाँ अवेलेबल है, ये रही आपकी, ये आपकी सबसे लेटेस्ट जो एडिशन निकली थी अक्टूबर से दिसंबर 2019 वाला। इसका डेट फिक्स होता है, मुझे अभी डेट याद नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। उस डेट को ये बुक निकलती है और उसके अंदर करंट अफेयर्स कवर्ड होते हैं। इस बुक की काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट और अच्छी बात जो मुझे इस बुक की लगी वो ये है कि इसके अंदर गलतियाँ कम हैं। गलतियाँ कम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फीचर है। उसके बाद जो अच्छी बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर बुक्स एंड ऑथर्स, या फिर जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट्स की आई हैं वो, या अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो भी उस टाइम पीरियड में हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं SSC बैंकिंग हर टाइप के एग्जामिनेशन के लिए, रेलवे के लिए, वो इसके अंदर दिए गए होते हैं। और इसके बाद एंड में जो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी वो ये है कि इस बुक के अंदर जो भी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स की दी गई हैं, उसके लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, SSC CGL के, CHSL के, बैंक के, हर टाइप के दिए गए हैं कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चंस पिछले साल में आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं मानता हूं कि ये फ़िलहाल करंट अफेयर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो मार्केट में अवेलेबल है। मैं पर्सनली इसको एक दो दिन से पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और अच्छी मुझे लगी काफ़ी। इसकी एक पूरी ईयर की भी करंट अफेयर्स आती है, इसी पब्लिकेशन की आती है, दिशा पब्लिकेशन की, वो भी आप देख सकते हो। हाँ, जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ उन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बुक आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। मैंने अमेजन पर सर्च किया, इंग्लिश में मिला मुझे, हिंदी में मिलेगा तो मैं उसकी लिंक भी आपको दे दूंगा, बट फिलहाल ये बुक इंग्लिश में अवेलेबल है। और इसके अलावा जो भी मैं आगे बताने वाला हूँ सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम इसी टॉपिक में एक लेवल अप जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो स्टेट PCS की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, या ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस का पार्ट या GK का पार्ट काफ़ी ज़्यादा आता है,
तो ऐसे एग्जामिनेशन के लिए जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है द मेगा ईयर बुक, दिशा पब्लिकेशन की ये बुक है, 2020 का एडिशन लेटेस्ट आ चुका है, आप उसको ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा सस्ता है। मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखिए छोटा सा है ये, और इसका दाम लगभग 150 रुपये के आसपास का है। अमेजन पर मुझे नहीं पता सेल थी क्या थी, लेकिन 150 रुपये में मुझे बुक दिख रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती बुक है। और इसके अंदर पूरे के पूरे 2019 पूरे के पूरे साल का आपको पूरा क्रक्स दिया हुआ है करंट अफेयर्स का, साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन जो हम लोग लूसेंट के बुक्स में पढ़ते हैं, जीके में पढ़ते हैं, पॉलिटी की कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, ज्योग्राफी की चीज़ें पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर दी गई हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी बुक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको इस मेगा ईयर बुक के बताता हूँ वो ये है कि इकोनॉमिक्स के, बैंकिंग के, इसके आपके डेडिकेटेड इसके अंदर अलग से पार्ट्स दिए हुए हैं। तो जो आपके बैंक के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, आपके इंश्योरेंस कंपनी के क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर आप पूछते हो कि उसकी तैयारी कहाँ से करें, तो इस टाइप के बुक्स आपको हेल्प कर सकती है जिसके अंदर बैंकिंग के, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें इन डेप्थ में दी गई होती हैं। इसके अलावा अभी NABRDI का फॉर्म निकला था, उसके अंदर एक पेपर था 40 मार्क्स का, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लोग पूछते हैं उसके लिए कौन से बुक मैं पढूं, तो उसके अंदर जो 50% यानी 20-25% पार्ट था वो एग्रीकल्चर के अंदर करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, वो आपके इस बुक के अंदर कवर्ड है, बिकॉज इसके अंदर एग्रीकल्चर के लिए अलग सेक्शन दिया गया है, तो आप वो डेफिनेटली पढ़ सकते हो। ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी आप इस बुक से कर सकते हो, ये डेफिनेटली एक रिकमेंडेड बुक है। और अगर आपको एसेज की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी बुक काफ़ी अच्छी है, इसके अंदर इन डेप्थ एनालिसिस दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का, ठीक है, जो भी चीज़ होता है, जो भी इवेंट होता है उसका इन डेप्थ एनालिसिस के अंदर दिया गया है। तो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए भी एक ये अच्छी किताब है। तो ये हमारी बात हो गई करंट अफेयर्स की, बहुत ज़्यादा दिन से इसके ऊपर डाउट था तो वो आज मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो की है पज़ल। मैं पहले टॉपिक से टॉपिक जाता हूँ, आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की बुक्स बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बुक भी बताऊँगा। तो ये हो गई हमारी, उसके बाद पज़ल का एक पार्ट है, जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, इसके अलावा जितने भी बैंक एग्जामिनेशंस हैं और इंश्योरेंस के एग्जामिनेशंस हैं, उसके अंदर भर भर के पज़ल के क्वेश्चन आते हैं। अगर 25 मार्क्स का आपका पेपर है रीजनिंग का, तो आपके उसके अंदर 15 मार्क्स तो आपके पजल ही होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो बुक मैं रिकमेंड करता हूँ वो है ऑलिव बोर्ड का पजल मेनिया, काफ़ी अच्छी खासी किताब है। उसके अंदर चीज़ें क्या हैं, उसके अंदर चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, बहुत ही कम रीजनिंग की बुक मैं देखता हूँ जिसके अंदर चीज़ें एक्सप्लेन की गई होती हैं। मतलब होता क्या है, मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, आंसर होते हैं, क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, वो भी ठीक से नहीं होता, नॉर्मल चीज़ें ऐसे ग्राफ में या कैसे बना के दे दी गई होती हैं, बट इस बुक के अंदर चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि आखिर थॉट प्रोसेस क्या था इस सॉल्यूशन से पहले, मतलब क्या सोच रहे थे, उस चीज़ों को भी लिखा गया है। तो ये आपकी है पजल मेनिया, काफ़ी अच्छी किताब है, मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड करता हूँ और अच्छी बुक है, इसको आप परचेस कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है कंप्यूटर। कंप्यूटर का सेक्शन बहुत ज़्यादा आपको दिमाग में चलता है, आखिर कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, और बहुत ज़्यादा महंगी महंगी लोग बुक्स भी परचेस कर लेते हैं, सुमित अरोरा वगैरह पब्लिकेशन की, तो वो बुक्स आपको परचेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज लेनी है, और उसके लिए जो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो अगेन दिशा पब्लिकेशन की एक कंप्यूटर की बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आती है। हाँ, जो मैं आपको मेगा ईयर बुक बताया था ना, वो आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में थी, वो भी आप नोट कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी भी मिल जाएगी। तो जो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर नॉलेज करके एक बुक आती है, आई थिंक उसके भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बेसिक आपका उसके अंदर कवर्ड है। अगर मैं आपको बुक दिखाऊं तो ये आपकी बुक है, छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है, मुझे पता नहीं इसकी कीमत, मेरे ख्याल से 100 रुपये कुछ समथिंग करके है, कोई बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं है। और इस बुक को लेने के बाद आपके बैंकिंग के अंदर, रेलवे के अंदर, SSC के अंदर जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, इसके अलावा कहीं पे भी आपका जितने भी सरकारी नौकरी है ना, उसके अंदर आपके सारे कवर्ड हो। हाँ, आप BTech के पेपर देने मत चले जाना ये बुक पढ़ करके, तो उसके अंदर तो आपको इन डेप्थ कोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे नहीं, लेकिन जितने भी जनरल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको इस बुक के अंदर कवर्ड हैं। और ये बुक दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, मेरे पास है, ये देख सकते हैं आप, दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो काफ़ी अच्छी किताब है, आप इसको परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो कंप्यूटर के बाद हम आते हैं आप पॉलिटी टॉपिक के ऊपर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगता है, और बहुत ज़्यादा ये सिग्निफिकेंट पार्ट है। कोई भी आप नौकरी ले लो, SSC ले लो या IAS ले लो या SSC MTS ले लो,
कोई भी एग्जामिनेशन हो आपका, उसके अंदर पॉलिटी का पार्ट तो होता ही होता है। बट आज मैं आपको नॉर्मल पॉलिटी पार्ट नहीं बताऊंगा, वो आप लूसेंट से भी चाहो तो पढ़ सकते हो। बट यहाँ जो पॉलिटी की बात करता हूँ, वो मैं आपको बात कर रहा हूँ स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस की, यूपीएससी के एग्जामिनेशंस की, सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन होते हैं, या और भी कोई हायर लेवल एग्जामिनेशन जिसके अंदर पॉलिटी इन डेप्थ में आता है। तो वहाँ पर जो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो है एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक है, ये आपके सामने अवेलेबल है। इतनी मोटी बुक है, काफ़ी अच्छी किताब है ये। और इसके अलावा डीडी बसु करके भी एक बुक है, वो लेजेंडरी बुक है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी बुक है। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ने बैठोगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए, बेयर एक्ट उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो एम लक्ष्मीकांत जो बुक है वो डेफिनेटली किसी को भी समझ में आएगा, इतने एडिशन इसके निकले हैं कि गलतियां भी इस बुक के अंदर नहीं हैं। और ये मेरे ख्याल से हर एक टॉपर से लेकर के जो नॉर्मल रैंक से पास करता है वो भी रिकमेंड करता है, और मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ ये बुक। बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर आपको पॉलिटी समझाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन समझाया गया है। डेफिनेटली रिकमेंडेड बुक है, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करने का सपना देख रहे हो, इस बुक को पढ़ो। और अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ पाए तो आप सोच लो आप तैयारी भी नहीं कर सकते। तो ये एक बेंचमार्क भी है आपके लिए कि इस बुक को अगर आपने पढ़ लिया तो आप तैयारी भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप परचेस करना चाहते हैं। तो पॉलिटी के बाद हम आते हैं अब स्पेशल बुक के ऊपर। मैं आपको कुछ स्पेशल बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ यहाँ पे। ये है आपकी बुक, देख सकते हैं कितनी पतली सी छोटी सी किताब है, आपकी तीन बुक है, और ये पतली छोटी किताब अमेज़न के बेस्ट सेलर्स में से एक है। तो ये बुक्स के बारे में क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल ये बुक है, रीजनिंग की बुक है, मुझे पर्टिकुलरली रीजनिंग की बुक पसंद आई। हालांकि क्वांट की बुक बेस्ट सेलर है, सबसे ज़्यादा बिकी है, बट मुझे ये बुक अच्छी लगी। इसलिए मुझे अच्छी लगी क्योंकि मैं इस बुक को खोल के पढ़ा, सिलेबस देखा, तो इस पतले से बुक में SSC MTS का पूरा रीजनिंग कवर्ड था, और विथ एग्जाम्पल, विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और आई थिंक 70-80 रुपए की ये बुक है, और इतनी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें कवर होना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इसका नाम है शॉर्टकट्स इन रीजनिंग, ये भी दिशा पब्लिकेशन की बुक है, और इसके अंदर बहुत अच्छे खासे शॉर्टकट्स दिए गए हैं, ट्रिक्स दिए गए हैं, चीज़ें डिटेल में समझाई गई हैं, स्पेशली SSC एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं इस बुक को अच्छा मानता हूँ। और इसके अलावा अगर आप कोई ओलंपियाड की तैयारी करते हो, या फिर अब बस बिगनर हो, आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपको बड़ी बुक देख के डर लग जाता है, RS अग्रवाल की बुक देखोगे डर जाओगे, तो ये बुक से आप स्टार्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है ये। रीजनिंग के बाद इसके में जो क्वांट की बुक है, ये भी ठीक किताब है, इसके अंदर भी फॉर्मूलेज आपके दिए हुए हैं, प्लस ट्रिक्स दिए हुए हैं, हर एक टॉपिक के अंदर ट्रिक्स दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के ट्रिक्स इसके अंदर दिए गए हैं। इस पतले से किताब के अंदर आपके SSC CGL के सारे टॉपिक्स के ट्रिक्स दिए हुए हैं, समझ रहे हैं आप? आप बहुत ज़्यादा हायर लेवल की तैयारी करते हो, रैंक लेने का सोच रहे हो, बहुत अच्छी आपको मतलब अच्छी पोस्टिंग चाहिए, आपको अच्छी पोजिशन चाहिए, तो ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी आपकी। लेकिन पास होना आपका टास्क है, आपको आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो और आप मोटी मोटी बुक परचेस कर लोगे तो और सपने देख लोगे टॉप होने के, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे बुक जिसको आप पढ़ सकते हो, आपने इसको दो बार पढ़ दिया तो आप मॉक टेस्ट देके देखोगे तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर इंग्लिश की भी आती है, ये भी अच्छी किताब है। अगर आपका इंग्लिश वीक है ना तो मैं कहूँगा इसको आप परचेस कर लो, 60-70 रुपए की है, मुझे नहीं पता कितनी कीमत है इसकी अमेज़न पे, बट मैं इसको क्यों कहूँगा परचेस कर लो। इतनी मोटी बुक आप पढ़ोगे टेंसेस के ऊपर, सर फट जाएगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला। इस बुक को परचेस कर लो, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड है। इस बुक को अगर आपने दो बार ख़त्म कर लिया ना, मैं आपको कहता हूँ आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, एटलीस्ट आपको चीज़ें बहुत हद तक समझ में आएंगी। तो इस बुक को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, इंग्लिश वाले को छोड़ करके ना, बाकी दोनों मैंने देखा हिंदी में अवेलेबल था, और आई थिंक इन तीनों को परचेस करने पे भी कुछ ऑफ था, 200-250 में शायद तीनों बुक मिल रही थी, मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर लेना अमेजन फ्लिपकार्ट। तो ये थी कुछ स्पेशल बुक्स। अब मैं आपको बताता हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर एक अच्छी खासी किताब। डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर आपका है डाटा इंटरप्रिटेशन डीकोडेड। डाटा इंटरप्रिटेशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है उन सबको पता है जो स्पेशली बैंकिंग के पेपर्स देते हैं। आपका SBI, IBPS कोई भी बैंक का पेपर दो, भर भर के आता है DI। SSC के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है ऐसा। वैसे तो ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें DI ना आता हो। और होता क्या है ना,
आप पढ़ के जो जाते हो वो एग्जामिनेशन में आता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन चाहिए होता है। जैसे ग्राफ का क्वेश्चन है, उसमें कितना वेरिएशन आप कर सकते हो, नॉर्मल बुक्स में नहीं हो पाता। बट इस बुक के अंदर जो मुझे वेरिएशन दिखा क्वेश्चंस को, बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखे और चीज़ें भी समझाई गई हैं। ऐसा नहीं कि बस आपको सोल्यूशन दे दिया गया, चीज़ें भी समझाई गई हैं और वेरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब इस बुक के बाहर से क्वेश्चन आना लगभग नामुमकिन है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा जिस टाइप का क्वेश्चन आप पहले सॉल्व ना कर चुके हो इस बुक के अंदर। तो इस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं, वेरिएशन दिया गया क्वेश्चंस में। तो ये बुक आप परचेस कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हो गई हमारी कुछ स्पेशल बुक्स। अब हम आते हैं मेन टॉपिक्स की बुक्स के ऊपर। जितनी मैंने आपको बुक्स बताई ना, वो सारी हेल्पफुल है, वो सारी हल्के में मत लीजिएगा। अब हम मेन बुक्स पे आते हैं। मेन बुक्स के अंदर आपके SSC की आप पूरी तैयारी करते हो या फिर बैंक की आप तैयारी करते हो और आपको उस बुक, उस टॉपिक के अंदर एक बुक चाहिए होती है कई बार। जैसे SSC MTS का फॉर्म निकला, आपको चाहिए कि बस मुझे MTS पास करा दो भगवान और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप उस पर्टिकुलर MTS की भी बुक परचेस कर सकते हो। सिर्फ आपको CHSL पास करना है तो सिर्फ आप उसकी बुक भी परचेस कर सकते हो। तो इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हो, समझ में आया आपको? जैसे कि ये किताब है या आपकी CGL की किताब है, इतनी मोटी बुक है, इसके अंदर पूरा का पूरा CGL कवर्ड है। हाँ, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में आपको चीज़ें नहीं दी गई होती, आप रैंक लेके नहीं आ सकते इन किताबों को पढ़ के, याद रखिएगा। लेकिन आप पास डेफिनेटली हो सकते हो, नौकरी आपको मिल सकती है। आपकी SBIPO की किताब है, देखिए कितनी मोटी किताब है ये, और इसके अंदर चीज़ें सारे के सारे चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। मतलब आप इसको उठाओ, पढ़ो, आपका काम हो गया और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से इन चीज़ों को बनाया गया है। इन सब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये दिशा पब्लिकेशन की थी, इसके अलावा और भी पब्लिकेशन की भी आती हैं, मैं आपको सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसके बाद हम आते हैं क्वांट सेक्शन की बात करते हैं कि क्वांट सेक्शन एज अ होल सबसे अच्छी किताब कौन सी है। तो अगेन फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक राजेश वर्मा की बेस्ट बुक है, मुझे उससे अच्छी किताब अब तक कोई नहीं मिली और मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें रीजनिंग के ऊपर, तो रीजनिंग के अंदर भी RS अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग काफ़ी अच्छी किताब है, आप डेफिनेटली उसको परचेस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। यहाँ पर जो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो है लूसेंट की बुक करता हूँ, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए। पटना से बन के बुक आती है, तो देसी टच है इसके अंदर, सब कुछ हिंदी में समझाया गया है। तो जिसको अगर हिंदी में सब कुछ पढ़ना है ना, तो वो बुक अच्छी है। बट अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें आपको घुस के हिंदी में सब कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आपको इंग्लिश समझ में आती है, तो आप एसेंशियल इंग्लिश एक बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, आप उसको भी परचेस कर सकते हो। इसके अलावा याद है मैंने आपको छोटी सी बुक बताई थी, अगर आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है ना, आप उससे शुरुआत करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये होगी इंग्लिश की बात। अब हम आते हैं GK के ऊपर। करंट अफेयर्स का पार्ट मैंने आपको सबसे पहले ही सब कुछ डिटेल में बता दिया, उसके बाद जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है ईयर बुक के अंदर वो भी कवर्ड था, याद करिएगा। बट और आपको चाहिए इन डेप्थ में स्टैटिक पोर्शन, तो आप लूसेंट की GK परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छी किताब है। तो ये हो गई हमारी किताब की लिस्ट जो आपको 2020 में नौकरी दिला सकती है। स्टार्टिंग की जो स्पेशल बुक्स थी, आई होप आपको वो हेल्प ज़रूर करेंगी। हाँ, अब हम बात करते हैं फ्री किताब की। आपके पास पैसे नहीं है, आप ठनठन गोपाल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अभी भी नौकरी पा सकते हो। कैसे पा सकते हो? अल्टीमेटली जितनी भी किताबें हैं ना, इन सब की किताबों का जो करंट अफेयर्स वगैरह के छोड़ करके जो मदर है ना, वो है NCERT। NCERT से डिराइव है सारा का सारा सिलेबस सरकारी नौकरी का, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि NCERT के ऑर्थर बहुत हाई क्वालिटी के हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन NCERT की बुक के हिसाब से सरकारी नौकरी के सिलेबस डिज़ाइंड होते हैं। तो इसलिए NCERT मदर है सारी की सारी बुक्स का। अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहली 3-4 लिंक के अंदर ही होगा जिसमें आप NCERT की बुक फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको मोबाइल फ़ोन या फिर अभी लैपटॉप में भी करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, बट फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तो दे ही चुका हूँ, अभी मैं आपको कंप्यूटर में चल के बताऊँगा कि क्या आपको करना है, कैसे डाउनलोड करना है। मुश्किल से 30 सेकंड का काम है वो, और वहाँ पर आप सारी की सारी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की किसी भी सब्जेक्ट की NCERT डाउनलोड कर सकते। तो NCERT की बुक डाउनलोड करने के लिए बस आपको गूगल करना है NCERT, और आप इस पेज पे आ जाएंगे। आपका ये फ्रंट पेज है, इसके अंदर ये फर्स्ट ऐड है, और जो ये वेबसाइट है आप ध्यान दीजिए, NCERT.NIC.IN, ये जो वेबसाइट है, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट इस पे आ जाओगे। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे, यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे,
यहाँ पर आपको क्लास सिलेक्ट करना है, आपको कौन से क्लास की बुक डाउनलोड करनी है। सपोज आपको सेवन्थ क्लास की बुक डाउनलोड करनी है, क्या करना है, आपको साइंस की बुक करनी है, बुक का टाइटल होगा कौन सा बुक है, क्लिक करना है और गो करना है और वो बुक आपके सामने आ जाएगी। आप ये मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हो और जैसे बुक आपके सामने आएगी यहाँ पर आप इस बुक को डाउनलोड भी कर सकते हो। आप यह देख सकते हो ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आपको लेफ्ट में लिखा है डाउनलोड कंप्लीट बुक। जैसे आप क्लिक करोगे आपके यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेमोरी की पीडीएफ होगी तो आप ये चीज़ देख के चले कि डाटा आपके पास हो। तो बस यही प्रोसेस था एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड करने का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपने कंप्यूटर में देखा कैसे एनसीईआरटी की बुक को डाउनलोड करना है, ये आपका प्रोसीजर था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो एनसीईआरटी के बुक से बिल्कुल अभी मत सोचिए कि कुछ भी बाहर आ जाएगा, सब कुछ इसके अंदर से ही आएगा। बट इसके अंदर टाइम लगता है, सिक्स से लेकर के ट्वेल्थ तक का पढ़ना बहुत ज़्यादा, या एटलीस्ट टेंथ तक का पढ़ना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसीलिए जो बुक्स रिकमेंड की जाती हैं वो बुक्स होती हैं वो सारा का सारा उठा करके इंपॉर्टेंट पार्ट एक बुक के अंदर डाल देते हैं इतनी पतली सी, और उसके अंदर आपका सब कुछ हो जाता है। तो आप देख सकते हो जो जैसा आपके फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ करती है वैसा आप काम करिएगा। और मैं जल्दी अपना ईयर प्लानर भी लॉन्च करने वाला हूँ, एक दो दिन में हो जाएगा। उसको आप अमेज़न से या फिर मेरी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।